अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, मैं विजेता और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। लॉकडाउन बढ़ेगा अथवा नहीं, यह कयास काफी समय से लगाए जा रहे थे। अब इस पर विराम लगाने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 10 बजे राष्ट्र को संबोधित करने आ रहे हैं। इसी बीच देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 9,152 हो गई है, जबकि 308 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। रविवार को मुंबई में कोरोना के 152 मामले सामने आए, जबकि पिछले 24 घंटे में 16 लोगों की मौत हो गई। देश में 857 मरीज ठीक होकर भी अपने घर गए हैं। उधर मेरठ में भी आज 36 लोगों को सुभाती मेडिकल कॉलेज से टेस्ट नेगेटिव आने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। बीते 25 मार्च को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 टाउन के लिए लॉकडाउन लगाने की घोषणा की थी। कल इस 21 दिन की मियाद खत्म होने जा रही है। इससे पहले पीएम द्वारा राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक के बाद यह कयास लगाने शुरू हो गए थे कि अभी लॉकडाउन की समय अवधि बढ़ाई जा सकती है। कुछ का कहना था कि हॉटस्पॉट इलाकों को छोड़कर बाकी जगहों से लॉकडाउन हटाया जा सकता है। इसके पीछे तर्क यही है कि लॉकडाउन के चलते काम धंधे बुरी तरह से चौपट हो गए हैं, राजस्व का भी सरकार को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इन सारे कयासों के बीच कल सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे। ये जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट के माध्यम से दी। बता दें कि पीएम मोदी के साथ हुई बैठक में तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने के सुझाव दिए हैं। उधर आज मेरठ में 36 ऐसे लोगों को डिस्चार्ज कर घर की तरफ रवाना किया गया जिन्हें क्वारंटीन किया गया था। गंभीर बात यह है कि ये सभी एक वर्ग विशेष से जुड़े हैं। आइए देखते हैं। छत्रपति शिवाजी हॉस्पिटल में आपको कैसा रहा आपके 14 दिन क्वारंटीन के? कुछ और कोई खाने पीने में कोई कमी नहीं, लगी खाने पीने में भी कोई परेशानी नहीं, सब सही। और यहाँ के स्टाफ का बिहेवियर कैसा लगा आपको? सही। घर जाते हुए कैसा महसूस कर रही हो? खुशी हो रही है कि जा रहे हैं हम। बहुत बढ़िया रहा, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं रहा, बहुत देखभाल करा आप लोगों ने, बहुत चिंता रहा। और तुम्हारे तुम लोगों की सर्विस भी बहुत अच्छी रही। अब घर जाते हुए कैसा महसूस कर रहे हैं? अब घर जाते हुए महसूस कर रहे हैं कि भाई ऊपर वाले ने हमें जल्दी से निकाल दिया यहाँ से और हम आराम से अपना रहे यहाँ पर। घर जाके सारी चीज़ों का ध्यान रखोगे? हाँ, 14 दिन घर के अंदर ही रहेंगे। और क्या क्या करोगे? बाकी तो सब अलग, पूरा टाइम हाथ धोना है। हाँ, साबुन से हाथ धोना है और सब ये फैमिली में अलग अलग रहेंगे। मुंह पे हाथ नहीं लगाना है जी। ठीक है जी। दूरी बनाए रखिए, घर से बाहर ज्यादा नहीं निकलना है जब तक बहुत जरूरी। ठीक है मैडम। इस खबर में बस इतना ही, देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी।